चलो ठीक है चालू कर दो। अब देखो इधर, कल कहाँ तक कर लिया था हमने? कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन कर लिया था। अब लिखो अब लिखो यहाँ पर हाँ अब लिखो बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर एंगल स्ट्रेंथ। लिखो बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड एंगल स्ट्रेंथ। एंगल स्ट्रेंथ टॉपिक डालो। देखो सबसे पहले समझो, कल भी इसी को पढ़ा रहा था मैं, ठीक है। अब ये एक्चुअली में ये कौन सा कार्बन है बेटा? ये कौन सा कार्बन होगा बोलो? ये आपका sp3 कार्बन होगा। sp3 कार्बन क्या चाहेगा अपने बॉन्ड को? sp3 कार्बन का एंगल कितना होता है बेटा? sp3 की 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हुआ 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब बॉन्ड ऐसे स्ट्रेन करेगा। बॉन्ड अपने आप को 109 डिग्री 28 मिनट पे करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? बॉन्ड अपने आप को कैसे करना चाहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट पे। बात क्लियर है? अब यहाँ पर आपका ये एंगल कितना है बेटा? ये वाला एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये वाला एंगल कितना है? 60। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? ये वाला एंगल मैं क्या बोलूँगा, इसको बोल दिया थीटा और इसको भी बोल दिया मैंने थीटा। तो क्या होगा? थीटा प्लस 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा बोलो? 109 डिग्री 28 मिनट। तो आपका 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 आ गया ये आपका। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया तुम्हारा। तो ये थीटा मतलब क्या होगा बेटा? एंगल स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ, एंगल में डिफरेंस कितना डेवलप हुआ, निकालो। 109 डिग्री 60 डिग्री बताओ कितना होगा? 49 होगा। 49 होगा, बात क्लियर है? 49 डिग्री मतलब अप्रोक्सीमेट 49 डिग्री, या फिर 28 मिनट भी करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। 49 डिग्री 28 मिनट डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 24 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है बेटा? ये थीटा, ये यहाँ पर एंगल स्ट्रेन है। ये यहाँ पर क्या है बेटा? एंगल स्ट्रेन। पहला हो गया, दूसरा समझो। दूसरा आप ये समझो, अब ये बताओ ये यहाँ पर भी ये क्या है बेटा? sp3। तो sp3 क्या चाहेगा अपने आपको? 109 डिग्री 28 मिनट। ये कितना है पहले से? 90 डिग्री। तो ये अपने आपको क्या करना चाहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट। इसका एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। तो कैसे निकालेंगे बोलो? यहाँ पर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, थीटा वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है? थीटा वैल्यू। तो कैसे निकलेगी? 2 थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। नाउ 2 थीटा इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90 डिग्री। तो आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। आप बताओ एंगल स्ट्रेन किस में ज़्यादा है किस में कम है? दोनों में से किस में ज़्यादा है एंगल स्ट्रेन? तो ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा ना। ये क्या होगा आपका? समझ में आ गया आप कंसेप्ट? क्या ये इजी था कि टफ था? तुमको मैं पहले पढ़ाता था ना एंगल स्ट्रेन से क्वेश्चन सॉल्व करता था। sp3 है, 60 है, अपने आपको क्या करना चाहेगा? हाँ, तो फिर ऐसे करते थे ना हम। अब समझ में आ गया कैसे कर रहे थे वो क्वेश्चन? समझ में आ गया, चलो ठीक है। अगला देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन अगर मैंने कैसा कर दिया बेटा, यहाँ पर मैंने इसका एंगल कितना होता है बेटा? नहीं आता निकालना n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 180 है ना, होता है ना। तो क्या होगा यहाँ पर? ये वाला मैंने ले लिया थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे? n माइनस 2 इंटू 180। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 इंटू 180। ये आपका टोटल आ जाएगा, टोटल एंगल कितना हो गया बेटा इसका? थीटा टोटल कितना हो गया बेटा यहाँ पर? 540। तो थीटा टोटल आपका आ गया 540। तो आपको एक जगह का निकालना है, तो क्या करोगे? डिवाइड बाई 5 करोगे, तो कितना आ जाएगा?
10 आ जाएगा, 108 108 आ जाएगा बेटा पक्का, सोच लो। तो यहाँ पर क्या आ गया थीटा आपका, टोटल आपका आ गया 108 आ जाएगा बेटा। नहीं थीटा, इसको मैंने मान लिया डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 540 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 108 डिग्री। तो कितना आ गया बेटा ये आपका, 108 डिग्री समथिंग समथिंग कुछ आ गया, 108 डिग्री अप्रोक्सीमेट। नाउ ये फिर क्या है बेटा, SP3 है, तो इसका एंगल क्या होना चाहिए, 109 डिग्री। तो यहाँ की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ मैंने थीटा मान लिया है ना, इसको मैं बीटा मान लेता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं बीटा मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा बेटा जल्दी बोलो, 2 बीटा इक्वल टू 2 बीटा प्लस 108 डिग्री इक्वल टू 109 डिग्री। नाउ 2 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 109 डिग्री माइनस 108 डिग्री, देन बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 109 डिग्री माइनस 108 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी क्या डेवलप हुआ, एंगल स्ट्रेन, यहाँ पर भी क्या डेवलप हुआ, एंगल स्ट्रेन कन्फर्म हुआ। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या होगा बेटा, अरे जी देखो अब क्या होगा, ये भी SP3 है, ये कहाँ होना चाहेगा, 109 मतलब थोड़ा अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इस बार अंदर जाएगा ना 109, क्योंकि ये टोटल कितना है बेटा, टोटल कितना है बेटा, ये आपका 120, टोटल कितना है बेटा, ये आपका 120, तो टोटल ये आपका 120 है। ये यहाँ पर थीटा और ये थीटा कितना होगा बेटा, कैसे निकालोगे बोलो, थीटा प्लस थीटा 109 डिग्री बोलो जी जल्दी से क्या होगा, 120। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा बोलो, 2 थीटा इक्वल टू 120 माइनस 109, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा बोलो, थीटा इज 120 माइनस 109 डिग्री प्लस 2। तो यहाँ पर जो एंगल स्ट्रेन डेवलप होगा वो कौन सी वैल्यू गेन करेगा, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो, यहाँ पर मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर बॉन्ड कहाँ आना चाहेगा, बॉन्ड विल बी कम इनसाइड बॉन्ड आपके कहाँ आने चाहिए, बॉन्ड आपके कहाँ आना चाहेगा, इनसाइड द मॉलिक्यूल, क्या इनसाइड द मॉलिक्यूल आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा बॉन्ड, मतलब बॉन्ड को मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बॉन्ड पर फोर्स आपका कैसा लगेगा बेटा, बॉन्ड पर फोर्स आपका कैसा लगेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आना चाहेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाना चाहेगा और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये वाला बॉन्ड ऊपर जाना चाहेगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाना चाहेगा, यहाँ पर भी ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा ऊपर जाना चाहेगा, ये वाला थोड़ा सा बॉन्ड ऊपर जाना चाहेगा। और इसी वजह से ड्यू टू द डेवलपिंग ऑफ एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एंगल स्ट्रेन सो साइक्लोहेक्सेन विल फॉर्म सम कन्फॉर्मर्स, विल फॉर्म सम कन्फॉर्मर्स, साइक्लोहेक्सेन अपने कन्फॉर्मर्स को फॉर्म करेगा, ठीक है, कन्फॉर्मर्स को फॉर्म करेगा, या फिर वो साइक्लोहेक्सेन आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर में लाई करेंगे, साइक्लोहेक्सेन आपका ऐसा लाई नहीं करेगा, साइक्लोहेक्सेन आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर में लाई करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ, ये सिंपल सा पॉइंट था। अब हम देख लेते हैं कि अगर मैं साइक्लोहेक्सेन का बनाना चाहूँ, साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मर्स बनाना चाहूँ, तो पहले लिखो फटाफट इसको, लिख लो इसको सबको, आया तुमको क्लियर है, इजी है कि टफ है, आसान है, ज़्यादा या कम,
चलो आ गया आपको ये देखो जो फटाफट लिख लिया समझ में आ गया प्रेम जी कन्फर्म और तुझे समझ में नहीं आया हुआ कल वाला वोट वोट वाला हाँ नहीं आया ना अलग से बैठ के समझ लेना ठीक है आई सो मच समझ ही नहीं सकते ऑनलाइन लेक्चर से वीडियो लेक्चर से क्या तुम लोग आई सो मच समझ सकते हो कभी नहीं कतई नहीं झूठ एकदम झूठी बात चलो जल्दी से आ गया ये समझ में नेक्स्ट लिखो अब देखो हम साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बना रहे हैं क्या बना रहे हैं डिफरेंट हाँ 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 अब देखो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं देखो तुमसे पूछूंगा मैं तुमसे पूछूंगा कल मैंने बताया था ना कौन ज्यादा स्टेबल होता है फ्रंट कार्बन मैंने इसको माना तो यहां से कौन जुड़ा रहेगा ये एक्स और ये वाई मान लिया थोड़ी देर के लिए बताया था ऐसे निकालना अब देखो फ्रंट कार्बन से कौन कौन जुड़ा है बेटा दो एच और यहां पर एक्स और बैक कार्बन से कौन जुड़ा है बेटा एक वाई और दो एच एक वाई और दो एच हो गया यहां पर क्लियर हो गया ये अब इसी के सामने ही होगा ना इसी के सामने फ्रंट कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है बेटा बोलो जल्दी से दीदी देखो यहाँ पर आपका कौन जुड़ा हुआ है एक्स है ना हाँ तो यहाँ पर मैं देखो एक्स होगा ये आपका एक्स है तो यहाँ पर ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे देखो एक्स एक्स आपस में ज्वाइन हो गया ना दोनों के फ्रंट कार्बन से समझ में आ गया बेटा अब वाई वाई ज्वाइन कैसे होंगे फ्रंट कार्बन से निकालो यहाँ पर आपका वाई होगा यहाँ पर आपका वाई ये आपका वाई वाला पॉइंट ये इससे कनेक्टेड होगा यहाँ पर एच होगा यहाँ पर एच होगा अब देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए यहाँ पर एक्स और वाई एक कार्बन दो हो गए दो कार्बन यहाँ हो गए दो कार्बन इसमें फ्रंट और बैक यहाँ पर भी फ्रंट और बैक टोटल कितने कार्बन हो गए छः हो गए समझ में आ गया कुछ चीज़ क्लियर हुआ नहीं हुआ होगा क्लियर हुआ क्लियर पक्का ठीक है अब यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म होगा ये आपका स्टेगर्ड फॉर्म होगा ये आपका स्टेगर्ड फॉर्म होगा और ये भी आपका स्टेगर्ड होगा ना होगा कि नहीं होगा डिफरेंस होगा तो हाँ और मैंने क्या बोला था स्टेगर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ये बताया तो था मैंने लेकिन अब ये आपको कौन सा फॉर्म दिख रहा है देखो ये क्या है ये फ्रंट कार्बन ये रेयर कार्बन ये फ्रंट कार्बन ये रेयर कार्बन इससे कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है ये इधर और ये इधर और वाई वाला कहाँ जुड़ा हुआ है पीछे नीचे या ऊपर वाई वाला ऊपर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये ऐसे तो ये चेयर की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा ये आपका चेयर की तरह लग रहा है तो इसमें पहला फॉर्म क्या बन जाएगा बेटा हमारा चेयर फॉर्म कैसे बना समझ में आया चेयर फॉर्म कैसे बना समझ में आया तो यहाँ पर ये आपका ऐसे ऐसे ये आपका फ्रंट कार्बन ये आपका रेयर कार्बन ये आपका फ्रंट कार्बन ये आपका रेयर कार्बन ये नीचे जाएगा ऐसे और यहाँ से ऐसे कनेक्टेड होगा होगा और आपका फ्रंट कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है एक्स वाला और रेयर कार्बन से अब समझ में आ गया तुमको इस फॉर्म को क्या बोलेंगे चेयर फॉर्म कंसेप्ट क्लियर हुआ
कंसेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अभी तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ। अगर देखो आप दूसरा समझना, अब मैं थोड़ा सा इसको देखो, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे घुमा दूँ, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे घुमा दूँ, थोड़ा सा इसको मैं कैसे घुमा दूँ, वो ऐसे घुमा दूँ, तो इस बार x कहाँ आ जाएगा बेटा? थोड़ा सा x में अगर इसको ऐसे घुमा दूँ तो x कहाँ आ जाएगा बेटा आपका? इस पॉइंट पर आ जाएगा आपका x। अब ये कैसा दिखेगा? एक फ्रंट और रेयर कार्बन ऐसे, x कहाँ दिखेगा? एकदम प्लेन पे, एकदम प्लेन की तरह देता रहा, तो आपको कैसा दिखेगा? ये हो गया पोजिशन वन, ये हो गया पोजिशन टू। अभी पोजिशन टू पर क्या होगा बेटा जी, जल्दी बोलो। ये आपका फ्रंट कार्बन, समझना बेटा, पोजीशन टू की बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? फ्रंट कार्बन, ये भी आपका फ्रंट कार्बन बना दिया, ये आपका रेयर कार्बन, ये आपका रेयर कार्बन। अब क्या होगा, एक्स कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा ना, एक्स दिखेगा कि नहीं दिखेगा? समझ में नहीं आया, ये यू है, ये कैसा है बेटा? ये ऐसा आपके सामने ऐसा बना रहा हूं मैं, और ये y ऊपर जा रहा है और x पहले नीचे था, अब मैंने x को घुमा के कहाँ कर दिया? तो ये प्लेनर पे आ गया, ये क्या हो गया बेटा y, इसको क्या बोलेंगे? हाफ चेयर। इसको क्या बोलेंगे? समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और मैं ऊपर ले गया, हाँ थोड़ा सा और मैं ऊपर ले गया, x 3, ठीक है, तो थोड़ा सा और ऊपर ले गया, तो इस बार क्या होगा बेटा जल्दी बोलो? ये आपका फ्रंट कार्बन, ये आपका रेयर फ्रंट कार्बन, ये आपका रेयर कार्बन, ये आपका रेयर कार्बन, इस बार क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर बनेगा, थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये कौन सा होगा? x 3 पोजीशन, और ये आपका ऐसे बनेगा। मतलब समझ में आया कुछ पॉइंट? ये ज़्यादा क्यों बनाया, वो कम क्यों बनाया मैंने? हाँ आप समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड बोट। इसको क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड बोट। समझ में आया, समझ में आ गया। अब अगर मैं इसको कम्प्लीटली ऊपर ले जाऊँ, मतलब एक अगला पोजीशन कौन सा होगा? जब आपका यह वाला इधर आ जाए, मतलब इसी पर आ जाए, एक अगला पोजीशन कौन सा होगा? जब इस पर आ जाए, मतलब क्या हो जाएगा? एक्स 4। तो क्या बनेगा बेटा जल्दी बोलो आप, जल्दी से क्या होगा बेटा ये बोलो जल्दी से। ये फ्रंट कार्बन, ये रेयर कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, ये रेयर कार्बन, अब ये कहाँ हो जाएगा बेटा? ये ऐसे हो जाएगा, दोनों की पोजीशन आपकी इक्वल हो जाएगी बेटा, ये वाई हो जाएगा, ये एक्स 4 आपका हज हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? बोट। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। तो कितने फॉर्म बन सकते हैं? चार फॉर्म, बस एंगल के हिसाब से रोटेट करते जाना है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा स्टेगर्ड वाला होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? और एक्लिप्स कौन सा है? बोट। तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गया, एक्लिप्स फॉर्म सबसे लेस स्टेबल होते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, उसमें क्या होता है? टॉर्जनल स्ट्रेन डेवलप होता है। कौन सा स्ट्रेन डेवलप होता है? टॉर्जनल स्ट्रेन। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तुमने पढ़ा था क्या, बताया था क्या इसने? तो टॉर्जनल स्ट्रेन आपका क्रिएट होगा इसके अंदर, तो बोट वाला सबसे लेस स्टेबल और चेयर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। सुनो, बोट वाला सबसे लेस स्टेबल और चेयर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, ऐसा हमने सोचा, ठीक है, एक्लिप्स था। लेकिन अब मैं एक और चीज बोलूं, अब देखो यहाँ पर तो sp3 है, लेकिन ये तो प्लेन में आ गया, ये तो था कौन सा? sp3, ठीक है, लेकिन अभी क्या है बेटा? ये प्लेनर है, तो क्या sp3 वाला कभी प्लेनर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये भी क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ये भी क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो ये सबसे ज़्यादा हाईली इसमें है, दो मिनट बता देता हूँ।
ठीक है ठीक है। अब देखो ये आपका प्लेनर है तो ये आपका हाईली अनस्टेबल होगा, पहले से पता पड़ गया। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? चेयर। चेयर के बाद कौन आएगा? ट्विस्टेड बोर्ड। अब ट्विस्टेड बोर्ड क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल आपके दूर दूर है। रिपल्शन क्या होगा बेटा? यहाँ पर रिपल्शन आपका क्या होगा? लेस हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा बेटा? बोट। बोट में बोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा बेटा? हाफ चेयर। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लिख लो कि क्या होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल। बोलो जल्दी से, कौन होगा? चेयर। चेयर के बाद कौन सा होगा? चेयर के बाद कौन सा होगा? हाफ चेयर। ठीक है, हाफ चेयर सॉरी ट्विस्टेड बोट आ जाएगा। और ट्विस्टेड बोट के बाद बोट के बाद और उसके बाद हाफ चेयर। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर भी बना सकते हो। अब ये एक्चुअली भी क्या चल रहा है? ये घुमाते जाओ। एक ऐसा लेवल आएगा, फिर ये नीचे चला जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर वो ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, स्टेगर्ड से बार बार आ सकते हैं। ठीक है, आप समझ में आया? घुमा के समझ में आया कैसे बनाया बेटा? चलो, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है? चेयर फॉर्म। सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कैसा होता है? चेयर फॉर्म। आज हम सीखेंगे कि हमको कैसे बनाना है। ठीक है ना, अब हम सीखेंगे कि कैसे बनाना है हमको। ये चारों फॉर्म समझ में आ गए तुम लोगों को? मज़ा आया चारों फॉर्म बनाने में? बेटा खुद एनालिसिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ये उतना टफ भी नहीं है। ये जल्दी लिख लो, आज हम मिशन एनवायरनमेंट स्टार्ट कर देंगे, कल एनवायरमेंटल ख़त्म कर देंगे अच्छे से, एक एक कंसेप्ट को समझ के। ठीक है, एक एक कंसेप्ट को समझ के रिएक्शन तुम्हें याद भी हो जानी चाहिए हैंड टू हैंड। ठीक है ना, घर जाके डेली पढ़ते हो ना रोहन? अच्छा लगता है कवर करते तो? चलो अब देखो इधर, बना लिए सारे फॉर्म? समझ में आया ना कैसे बन रहे हैं? पोजीशन अगर आएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तुम्हें क्या करना है, किसका पोजीशन बदल रहे बेटा? हम आगे वाले का ऐसा है ना, आगे वाला इसको ऐसा 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 देखो ऐसा कर रहे हैं। ये पीछे वाला तो ऐसा ही है भाई, ये ऐसा है, इसको मैं ऐसा 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 तो ये बनता जा रहा है। आप देखो इधर, आप देखो लिखो यहाँ पर, चेयर फॉर्म इज ऑलवेज मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक है ना, तो एनर्जी ऑर्डर भी तुम लोग लिख सकते हो, इसमें कोई बात नहीं। एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? हाफ चेयर की। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही है ना, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा रहेगा तो हाफ चेयर उतना ही ज़्यादा एनर्जी, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा मान जाए एनर्जी ज़्यादा। समझ में आया? क्लियर हो बात? क्लियर। अब देखो इधर, हम लोग चेयर फॉर्म को कैसे बनाएंगे? चेयर फॉर्म को बनाने का तरीका हमारा क्या होगा? ऐसे बनाएंगे। कुछ समझ में आया? दिख रहा है चेयर? ये पीछे वाला हमें, मैंने ऐसे बनाया। ठीक है ना, अब ये बताओ यहाँ पर दो बोंड है, ये वाला एक्सियल होता है, ठीक है, और ये वाला कौन सा होगा? इक्विटोरियल। इक्विटोरियल मतलब एक्सियल मतलब ऊपर नीचे, ठीक है, पॉइंट जहाँ करेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट कहाँ जा रहा है? ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो ये एक्सियल। ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है? तो नीचे वाला एक्सियल। ठीक है, और इसके बाजू वाला इक्विटोरियल। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? एक्सियल। सुनो, ये आपका कौन सा हो जाएगा? एक्सियल। और ये कौन सा हो जाएगा? इक्विटोरियल। ये कौन सा हो जाएगा बेटा? इक्विटोरियल। और ये कौन सा हो जाएगा? एक्सियल। अब ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सियल। ये वाला कौन सा हो जाएगा? एक्सियल। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? इक्विटोरियल। समझ में आया? एक्सियल निकाला। ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है? पॉइंट कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? एक्सियल। ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है?
ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका एक्सीएल, और ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा आपका एक्सीएल, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा आपका इक्विटोरियल। अब समझ में आ गया कितने एक्सीएल बॉन्ड है, छः एक्सेल बॉन्ड है और इक्विटोरियल कितने, छः। बात तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक्सेल बॉन्ड को मैं क्या मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, अपर बॉन्ड, क्या मान लेता हूँ अपर, और ये क्या मान लेता हूँ लोअर, और ये मैं क्या मान लेता हूँ, ये हो गया अपर हो जाएगा इस बार, इसमें इस बार ये वाला इसमें अप होगा, ये वाला क्या होगा लो होगा। एक बार यहाँ पर बोलो, हाँ, ये वाला लो होगा, ये वाला अप होगा, ये वाला क्या होगा लो होगा, ये वाला क्या होगा अप होगा। समझ में आया तुम्हें, ये वाला अप होगा तो ये वाला क्या होगा बेटा लो होगा, और ये वाला लो होगा तो ये वाला अप होगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया। अब बात इतनी सी समझ में नहीं आई, बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आई, अब बात तुम्हें अब समझनी बाकी है, बात तुम्हारी समझनी बाकी है। तो देखो कैसे क्या समझनी बाकी है, देखो इधर, ये हुआ। अब बताओ यहां पर मैंने लिख दिया ए, यहां पर मैंने लिख दिया बी, यहां पर मैंने लिखूंगा, अब देखो एक कहां लिखूंगा नीचे, एक कहां लिखूंगा डी, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा होगा इक्विटोरियल या फिर एक्सियल, ये वाला कौन सा होगा ई एफ, ये वाला कौन सा होगा जी एच, ये कौन सा होगा आई, ये कौन सा होगा जे, ये कौन सा होगा बेटा के एल, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब मैं पूछूं तुमसे ए और डी में क्या रिलेशनशिप है, ए और डी क्या होगा सिस होगा, क्योंकि दोनों अप अप है, दोनों क्या है बेटा अप है ना, तो इसलिए क्या होगा बेटा ये आपका, अब समझ में आ गया। अगर मैं बोलना चाहूं ए और सी क्या होगा, एक अप है एक, तो क्या बोलेंगे इसको मैं ट्रांस, समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा ये वाला आपका ट्रांस, अब समझना, समझ में आ गया। अगर दोनों अप अप होंगे तो भी क्या होगा सिस होगा, और दोनों अगर डाउन डाउन हुए तो भी क्या होगा, लेकिन दोनों अप डाउन होंगे तो ट्रांसफॉर्म। अगर मैं बोलना चाहूँ ई और आई में क्या रिलेशनशिप है, बोलो ट्रांस है, क्यों, ये लो है डाउन है और ये अप है, तो क्या हो जाएगा इसके बीच रिलेशनशिप आपका। और जी और जे में क्या रिलेशनशिप है, जी और जे में क्या रिलेशनशिप है आपका, से, समझ में आ गया बेटा ये आपका, क्लियर हुआ फंडामेंटल कंसेप्ट, ठीक है। ई और एल में क्या रिलेशनशिप है, ट्रांस, क्लियर हो गया आप तुम्हें फंडामेंटल कंसेप्ट, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, बोलो क्लियर हुआ डाउट, ठीक है। अब मुझे अगर ऐसा बनाना हो स्ट्रक्चर, बोलो ड्रॉ द चेयर फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, आपको इसका क्या बनाना है बेटा, चेयर फॉर्म बनाना है, बनाओ, देखो पहले रुको, ये मैंने बना दिया ये CH3 और ये वाला मैंने बना दिया CH3। अब ये बताओ दोनों कौन से फॉर्म में, ट्रांस में या सिस में, ट्रांस में होंगे ना, कैसे, एक वेज और एक डैश, या फिर ऐसे सपोज कर लो, तुमको बताया था ना ऐसे देखना, इसको लेटा के बनाना, मैंने तुमको बताया था ना ऐसे बना लो, और ये आपका CH3 ऊपर है और यहाँ CH3 आपका नीचे, तो कौन सा फॉर्म हुआ, ट्रांस। तो मुझको ऐसा कॉम्बिनेशन में डालना है जो ये किस में हो, ट्रांस में हो,
तो इसका चेयर फॉर्म मैं बनाता हूँ, देखो चेयर फॉर्म कौन सा भाई, ये वाला आपका सही होगा थोड़ा बताना, ठीक है। इसको मैंने बाल डाल दिया इक्विटोरियल पे, तो मुझे ट्रांस क्या बनाना पड़ेगा, एक इससे कौन सा कार्बन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चौथे कार्बन पे मुझे कहाँ रखना पड़ेगा ट्रांस बनाने के लिए, एक्सीएल पे रखना पड़ेगा। समझ में आ गया तुम लोगों को, कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये इसका कौन सा फॉर्म होगा, चेयर फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा, चेयर फॉर्म होगा, ठीक है। कौन सा फॉर्म होगा, चेयर फॉर्म होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है? अब देखो एक बार आप समझना बेटा, एक और ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा बताना मुझे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना कि कैसे इजीली बना रहा हूँ मैं, इजीली बनाना समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। आप देखो इधर, आप बताओ कैसे बनाओगे, कौन सा फॉर्म है पहले ये बता लोगे। ट्रांस से तो चेयर कैसे बनाना है आपको, ऐसे ऐसे करके दो कर देना है। समझ में आया था तरीका बनाने का मेरा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा बोलो, ट्रांस से तो अगर मैंने इसको यहाँ रखा इक्विटोरियल पे, तो ये पहला पोजिशन और ये दूसरा, दो दूसरे पे कहाँ रखना पड़ेगा मुझे बोलो, ट्रांस बनाना है तो रखना पड़ेगा। हाँ दोनों क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा दोनों, तो ये ट्रांस रखना हो तो। समझ में आ गया, आपके पास दो चांस है ना, या तो ऐसे रखो या फिर क्या रखो, या फिर कैसे भी रख सकते हो बताओ। इसमें एक और तरीका है, कौन सा तरीका आपके पास प्रेजेंट है बेटा, इसको मैंने CH3 को ऊपर बना दिया, और एक कहाँ बना दूंगा इसको भी, इसको नीचे बना दिया ऐसे। ये वाला स्टेबल है, ये वाला अनस्टेबल है, क्यों आप समझना बेटा, आप इस बात को समझना क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से तो H निकलेगा, यहाँ से भी आपका क्या निकलेगा H, तो इन सब के बीच क्या हो जाएगा बेटा आपका रिपल्शन क्रिएट होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा, और यहाँ पर भी यहाँ से एच, यहाँ से एच, तो यहाँ पर भी क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा आपका रिपल्शन। रिपल्शन क्रिएट होने की वजह से ये एक्सीएल पे कभी बल्की ग्रुप नहीं आएंगे, नेवर बल्की ग्रुप आर नेवर प्रेजेंट ऑन एक्सीएल पोजिशन, बल्की ग्रुप आर नेवर प्रेजेंट ऑन एक्सीएल पोजिशन। बात क्लियर हुआ बेटा, बल्की ग्रुप आपके एक्सीएल पे प्रेजेंट नहीं होंगे, तो दोनों में से कौन सा आपका स्टेबल होगा, ये आपका 99.9% मिलेगा, तो ये आपको कितना मिलेगा 0.1%, तो ये आपका स्टेबल वाला बनाया तुमने, और ये वाला आपका क्या बनाया बेटा अनस्टेबल, मतलब लेस स्टेबल वाला तुमने बनाया। समझ में आया, समझ में आया? अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा, सर ऊपर भी तो आपने एक्सेल पे बनाया, एक्सेल पे तो बनाना नहीं था, लेकिन इसमें तो मेरी जबरदस्ती थी, इसमें मेरा मुझे अगर इसको ट्रांस बनाना है तो ये एक तो एक्सेल पे आएगा बनाओ 1/4 पोजीशन पे, ऐसा ही होगा कंडीशन, एक तो एक्सेल पे आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये दोनों इक्वली स्टेबल होते हैं। यहाँ पर ये भी तो बन सकता है कि ये इक्विटोरियल वाला एक्सेल चला जाए और ये एक्सेल वाला क्या चला जाए इक्विटोरियल, दोनों बन सकते हैं, तो दोनों आपके इक्वल इक्विलिब्रियम में होते हैं, दोनों आपके क्या होते हैं बेटा इक्वल इक्विलिब्रियम, सेम अमाउंट में। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं फ्लिपिंग, इसको क्या बोलते हैं फ्लिपिंग, फ्लिपिंग मतलब समझे, CH3 आपका इक्विटोरियल एक्सेल में, एक्सेल इक्विटोरियल में, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, क्या इसको फ्लिपिंग बोलेंगे, नहीं इसको हम क्या नहीं बोलेंगे बेटा, कभी भी फ्लिपिंग नहीं बोलेंगे। बात क्लियर है, उसको हम फ्लिपिंग बोल सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया? अब तुम स्टेबिलिटी निकाल सकते हो,
वो इजी था कि टफ था? जो तुम्हें समझ में आ गया ना सिस और ट्रांस का कैसे रिलेशनशिप निकालना है, मुझे बताओ एल और के में क्या रिलेशनशिप है? एल और के में कि कैसे बोलेंगे? एल और के तो एक ही को कार्बन से जुड़ा है ना, ठीक है? एल और ई में अप एंड डाउन ट्रांस, ठीक है? एफ और आई में ए और आई में बी और जे में डाउन डाउन, समझ में आ गया आप तुम्हें? क्लियर हो गया कंसेप्ट? एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? 109 डिग्री 58 मिनट माइनस एक्चुअल एंगल डिवाइड बाय 2, ऐसा भी लिख सकते हैं ना? आगे बना ले दोनों, ये ड्राइंग मजेदार हो रही है, आइसोमर में ड्राइंग ही हुई है, पूरी एक कॉपी चीज चलेगी शायद से आइसोमर में, पूरी एक कॉपी। कितना हुआ? ज्यादा हो गया आयुष्मान? हर चैप्टर में एक कॉपी बढ़ जाती है, कर लेना, हर चैप्टर में एक एक कॉपी बढ़ जाती है। कितने पेज बचे हैं? एनवायरनमेंट के काम आएंगे अभी, एनवायरनमेंट में भी आधी कॉपी तक आएगा, आधी कॉपी नहीं एनवायरनमेंट में भी जाएगा 25-30 पेज कच्ची छपवाऊंगा एनवायरनमेंट। अब आगे ये अब देखो, इसका बनाओगे तुम लोग, इसका बनाओ, बनाओ इसका ट्रांस तो होगा, ये तुम्हें पता है। यहां मैं लिख लेता हूं क्या, CH3 और 1, 2, 3 इस पर ट्रांस, पर नीचे ये आपका नीचे नहीं होगा, ये जाएगा ऊपर, या तो ऐसा बनेगा या फिर एक और चांस है ना, 3 अगर मैंने 1, 2, 3 यहां से काउंट किया तो ये भी ऊपर, ठीक है? एक ऐसा बनेगा और एक बार क्या होगा बोलो? हाँ दोनों बन सकते हैं, ठीक है? दोनों में से कोई एक, मैं इसको बार नाम रखता हूँ, और दूसरा क्या होगा? हाँ फ्लिपिंग होगा। फ्लिपिंग कब होता है? जब एक एक्सियल हो जाए एक आपका, ठीक है? समझ में आ गया? तो यहाँ पर फ्लिपिंग लग जाएगा, फ्लिपिंग लगने की वजह से क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, बनाना आ गया चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म? ये आ जाएगा एक्सेल पे और ये आ जाएगा तुम्हारा इक्वेटोरियल पे, अंडरस्टूड? तो ये आ जाएगा बेटा आपका फ्लिपिंग, क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलो ठीक है, ये तुम्हारा था आपका आइसोमर, खत्म हुआ, ठीक है? लिख लो थोड़ा सा, देन आफ्टर लिखते बेटा हम लोग। हाँ
ये वाला तो ट्रांस ही होगा, हर कंडीशन में आपका ट्रांस पहले बनेगा, उसके बाद आगे देखोगे, ठीक है ना। देखो आगे आप अगला चैप्टर लिखोगे, देखो एनवायरनमेंट की केमिस्ट्री। लिखो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। देखो एनवायरमेंट केमिस्ट्री एक्चुअली में एनवायरमेंट केमिस्ट्री क्या होता है बेटा, बताओ एक्चुअली में एनवायरमेंट केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, एनवायरमेंट केमिस्ट्री एक्चुअली में होता क्या, बताओ एनवायरमेंट केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बताओ। हाँ, अब देखो इधर सिंपल में बता देता हूँ, अ ब्रांच ऑफ द साइंस। ठीक है, सिंपल में बता देता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा बहुत सारी चीज़ें। ब्रांच ऑफ द साइंस, ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद ओरिजिन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ केमिकल इन आर एनवायरनमेंट, इफेक्ट ऑफ केमिकल इन आर एनवायरनमेंट, मतलब समझे कि यहाँ पर हमको क्या देखना पड़ेगा बेटा, ओरिजिन देखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट देखना पड़ेगा, रिएक्शन होगी, नो इफेक्ट। अब देखो कि एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम डेवलप हुई तो उस डेवलप को मैं कैसे सॉल्व करूँगा। चलो ठीक है, तुम्हें कोई बीमारी हुई तो डॉक्टर पहले डॉक्टर उसको सही कब करेगा, चेक करेगा। चेक करके कहाँ जाएगा, सबसे पहले वो उसके ओरिजिन पॉइंट पर जाएगा। अगर हमको किसी चीज़ का ओरिजिन पॉइंट मिल जाता है तो वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व आपकी हो जाती है। तो ले देखे हमको कहाँ से कहाँ ओरिजिन पॉइंट कैसे हुआ, किसी भी चीज़ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसकी रिएक्शन क्या है और उसके इफेक्ट क्या क्या है। समझ में आया, सिंपल आप देख लो ना, ओरिजिन सॉरी कोरोना ओरिजिन कहाँ से हुआ, जहाँ से हुआ वहाँ से हुआ, ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है वही देख रहे हैं हम लोग, और उसके बाद क्या देख रहा है, रिएक्शन बॉडी में क्या हो रहा है, उसको उसके बाद फाइनल इफेक्ट क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। यही तो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो भी इशू क्रिएट होंगे उसको हम किसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यही है। हमको ले दे के जाना कहाँ है, ओरिजिन पॉइंट उसका पता लगाना होता है, किसी चीज़ का ओरिजिन पॉइंट पता लगाओगे वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री किससे डील करता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपके ओरिजिन से डील करेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद रिएक्शंस के बाद इफेक्ट। तो लिखो, अब केमिस्ट्री में पढ़ रहे तो केमिकल के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया, अब एक डेफिनेशन लिखो एनवायरनमेंट पोल्यूशन। क्या एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन, पोल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा, जल्दी बोलो, पोल्यूशन क्या होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या होगा बेटा, बताओ। अनडिजायरेबल चेंज इन आर सराउंडिंग,
अगर हमारे सराउंडिंग में अनडिजायरेबल चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कब बोलेंगे? दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट। मतलब कि क्या होगा, कि क्या होगा, डेफिनेशन बोलो। अनडिजायरेबल चेंज इन, जल्दी बोलो, अनडिजायरेबल चेंज इन, बोलो क्या होगा, एनवायरमेंट दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट, दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट कॉल्ड एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, कॉल्ड एनवायरमेंट पॉल्यूशन। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया बेटा? ये तो डेफिनेशन मैंने लिखा दी। अब सबसे बड़ी बात है कि पॉल्यूशन के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? पॉल्यूटेंट की। पॉल्यूशन के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? पॉल्यूटेंट की। तो सबसे पहले पॉल्यूटेंट क्या होता है उसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है बेटा पॉल्यूटेंट। बोलो क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, बोलो पॉल्यूटेंट क्या होगा? कॉज ऑफ, हाँ, कॉज ऑफ पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। तो इसका डेफिनेशन में क्या लिखूंगा? एनी सब्सटेंस, बोलो एनी सब्सटेंस। आप समझ में आ गया तुम लोगों को? एनी सब्सटेंस, ये तो इजी चैप्टर है ना, दैट कॉज ऑफ पॉल्यूशन इज कॉल्ड, दैट कॉज ऑफ पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। क्या बोलेंगे इसको? पॉल्यूटेंट। बात समझ में आ गया? बात क्लियर हुआ बेटा? अब देखो पॉल्यूटेंट आपके दो टाइप के होते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। एक होगा डिग्रेडेबल, एक कौन सा होगा? नॉन डिग्रेडेबल। ठीक है, एक कौन सा होगा? डिग्रेडेबल। एक कौन सा होगा? नॉन डिग्रेडेबल। अब देखो पॉल्यूटेंट यहाँ पर आपके दो टाइप के होंगे। अब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ईजी लग रहा होगा चैप्टर। पॉल्यूटेंट आपके दो टाइप के होंगे, एक कौन सा होगा? डिग्रेडेबल। एक कौन सा होगा? नॉन डिग्रेडेबल। तो लिख लो डिग्रेडेबल, एक कौन सा होगा? नॉन डिग्रेडेबल। अब देखो वेजिटेबल, इसका एग्जांपल क्या होगा? वेजिटेबल वेस्ट। क्या होगा? वेजिटेबल वेस्ट। वेजिटेबल वेस्ट आर डिग्रेडेबल। और उसका एग्जांपल क्या होगा? प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक के बाद और भी हो सकता है ना, केमिकल। केमिकल हो गया, डिग्रेड नहीं होता केमिकल। केमिकल आपका डिग्रेड होता है? नहीं होता। डीडीटी हो गया, इंसेक्टिसाइड्स। डीडीटी आपका किस काम आता है? इंसेक्टिसाइड से। ठीक है, इंसेक्टिसाइड है ये। इसका देखो, इसका आपका स्ट्रक्चर है ना, इसका आपका स्ट्रक्चर किस में दिया हुआ है? हेलो एल्केन में। किस में दिया हुआ है? हेलो एल्केन में। और मैं इसका मीनिंग भी बताऊंगा तुमको इंसेक्टिसाइड्स का। ठीक है, तो डीडीटी है। डीडीटी के बाद आपका क्या है बेटा? बोलो न्यूक्लियर। न्यूक्लियर आपका वाटर हो गया, न्यूक्लियर वाटर। तो न्यूक्लियर प्लांट से कौन सा वाटर निकलता है आपका? न्यूक्लियर वाटर निकलता है। क्या निकलता है? न्यूक्लियर वाटर निकलेगा। जो भी आपका एक टाइप का क्या होगा बेटा? वेस्ट होगा, न्यूक्लियर प्लांट से जो निकलेगा। और एक और बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आप समझ सकते हो कौन सा? वो चिप प्लेट, लैपटॉप बनाते हैं, मदरबोर्ड, वो तो आपका डिग्रेड नहीं होगा ना, उसको क्या क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। समझ में आ गया तुम्हें? अब ये सारे कुछ वेस्टेज है बेटा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, पॉल्यूटेंट आपको समझ में आ गया? कितने टाइप के पॉल्यूटेंट होंगे बेटा? दो टाइप के, एक कौन सा होगा? डिग्रेडेबल, और एक कौन सा होगा? नॉन डिग्रेडेबल। बात क्लियर है? अगला टॉपिक लिखो अब, एनवायरमेंट पॉल्यूशन। हमको कौन कौन से पढ़ने हैं? हमको तीन टाइप के पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? तीन टाइप के। तो लिखो अगला, यहाँ से अब तुम्हें चैप्टर स्टार्ट हो गया बेटा। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमको कितने टाइप के पढ़ने हैं? तीन टाइप के। ठीक है, कलम चैप्टर समाप्त कर देंगे, इसको अच्छे से नोट्स लिख लेंगे। और साथ साथ आज जाके एनसीईआरटी भी पढ़ना है, साथ साथ आज जाके एनसीईआरटी भी पढ़ना है इसका। ठीक है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन। अब आपका एनवायरमेंट पॉल्यूशन आपका कितने टाइप का पढ़ना है बेटा? आप लोगों को
तीन टाइप का, कौन कौन सा पढ़ना है? एक आपको एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एक कौन सा पढ़ना है बेटा आपको, बोलो? वाटर पोल्यूशन। और एक कौन सा है? सॉइल पोल्यूशन। आपके लैंड पर तीन ही टाइप के पोल्यूशन होंगे ना, लैंड पर मतलब अर्थ पर कितने टाइप के होंगे जनरली? आपके नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, नॉइज़ पोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जनरली हम कौन से पढ़ने पड़ेंगे? एनवायरनमेंट से रिलेटेड। कौन से हो गया बेटा आपको? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बाद, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बाद वाटर पोल्यूशन, और वाटर पोल्यूशन के बाद कौन सा पढ़ेंगे बेटा हम लोग? सॉइल पोल्यूशन। कौन सा पढ़ेंगे? सॉइल पोल्यूशन। समझ में आया? क्लियर हुआ फंडा? अब देखो आपका एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। अब देखो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में हमको क्या पढ़ना है? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ठीक है, तो क्या होगा बेटा ये? पोल्यूशन विच इज वो हैपन इन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। समझ में आ गया? तो इसमें कौन कौन से पोल्यूशन, क्या लिखोगे? पोल्यूशन विच इज अकर इन क्या बोलोगे? स्ट्रेटोस्फेयर, हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अब क्लियर हो गया बेटा पॉइंट? स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। अब सबसे पहले एटमॉस्फेरिक, हम हमारे एटमॉस्फेयर को समझ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर की कैसा होता है, ठीक है दीदी। देखो ये हमारा जनरली क्या हुआ बेटा? अर्थ हुआ। जनरली क्या हुआ बेटा? ये हमारा अर्थ हुआ, ठीक है। अर्थ का शेप कैसा होता है? एलिप्टिकल, एलिप्टिकली बोला गया ना, केपलर लो, ग्रेविटेशन, थोड़ा सा एलिप्टिकल बोला गया है। अब छोड़ो वो सब बात। अर्थ के 10 किलोमीटर के अराउंड में, 10 किलोमीटर के अराउंड में क्या होता है बेटा? 10 किलोमीटर के अराउंड में हमारा होता है ट्रोपोस्फेयर। क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है अर्थ के 10 किलोमीटर के अराउंड में। अब 10 किलोमीटर के अराउंड के बाद आपका क्या होता है बेटा? एक और होता है, कितने? 50 किलोमीटर के। किसके दायरे में बेटा? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर में हमारा कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। अब बात वाली बात ध्यान से रखो, ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, ये आपका सी लेवल हो गया। ये अर्थ का क्या हो गया बेटा? ये आपका सी लेवल, ये सी लेवल से बात कर रहा हूँ। आप यहाँ खड़े हो, चलो ठीक है, आपके चारों ओर जो भी है वो सारा क्या है? ट्रोपोस्फेयर। कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर, जो आप देख सकते हो लगभग लगभग ट्रोपोस्फेयर 50 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से ऊपर आप देख भी नहीं सकते। तो वो सारा क्या बेटा? ट्रोपोस्फेयर। क्लाउड भी कहाँ आएंगे? ट्रोपोस्फेयर में आएंगे। क्लाउड्स भी कहाँ आएंगे? ट्रोपोस्फेयर में। समझ में आ गया? अब मतलब ट्रोपोस्फेयर में एयर डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होती है? एयर डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब एयर डेंसिटी क्या होगी बेटा? यहाँ पर हाई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ पर, अब देखो स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने एक ब्लू लाइन बनाई, ये हमारी क्या होगी बेटा? ओजोन लेयर। कौन सी होगी? ओजोन लेयर। अब देखो ओजोन लेयर हो गई। अब ये बताओ कि आपका मैक्सिमम जो जेट है, प्लेन है, वो कहाँ उड़ते हैं? ट्रोपोस्फेयर में या फिर आपके स्ट्रेटोस्फेयर में? हाँ, अच्छा, इसके बाद आपका आता है मीजोस्फेयर, ठीक है। कौन सा आता है इसके बाद आपका? मेजोस्फेयर। 80 किलोमीटर में आपका कौन सा आएगा? मेजोस्फेयर। उसके बाद कौन सा आएगा बेटा? उसके बाद आपका आएगा 800 km में आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर, क्या बोलेंगे इसको? थर्मोस्फेयर। और इसके बाद कौन सा होगा? 1000 किलोमीटर पर, बोलो, 10,000 km पर क्या होगा आपका? कौन सा स्फीयर होगा? एक्सोस्फीयर। कौन सा होगा? एक्सोस्फीयर। अब समझो, अब बात मुद्दे वाली बात अब समझ में आएगा। जेट आपके प्लेन कहाँ चलते हैं? प्लेन आपके ट्रोपोस्फीयर में नहीं चलते बेटा,
प्लेन आपके कहाँ चलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में। अब देखो, अगर मान लो जेट टाइप का प्लेन, अगर कोई प्लेन हमारा यहाँ उड़ रहा है, ठीक है, कोई प्लेन हमारा यहाँ उड़ रहा है मान लिया। अब जब प्लेन अगर यहाँ उड़ेगा, यहाँ पर एयर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ से पीछे फोर्स लगेगा, यहाँ से आगे फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और ये आपका ब्लास्ट भी हो सकता है, और ये आपका क्या हो सकता है बेटा, ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन जो अगर जेट प्लेन है, अगर यहाँ उड़े, मतलब ओजोन लेयर के ऊपर उड़ेगा, तो ओजोन लेयर के ऊपर क्या होगा बेटा आपका, जल्दी बोलो, जल्दी, एयर डेंसिटी कम होगा, तो ये ड्रैगिंग फोर्स नहीं आएगा, और अगर ड्रैग फोर्स नहीं आएगा तो क्या होगा, ब्लास्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से कौन सी गैस निकलती है, यहाँ से एनो गैस निकलती है, एनो गैस निकलती है, जो कि क्या करती है बेटा, ओजोन लेयर को डिप्लेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर एनो गैस निकलेगी, जो कि आपके O3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा बेटा, NO2, और क्या बना लेगा, O2। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, इस पॉइंट पर आपका क्या हुआ बेटा, ये आपका क्या था बेटा, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के रिएक्शन, समझ में आया, ओजोन लेयर के रिएक्शन। अब समझ में आया तुमको, अगर तुमको बोले कि ना जेट की वजह से जो एनो निकलते हैं उसमें ना डिप्लेशन कैसे होता है, ओजोन लेयर का रिएक्शन क्या है, बता दोगे अब आप, बता दोगे पक्का, समझ में आ गया, नोट डाउन करो इसको, सिंपल था कि टफ था, ठीक है। हाँ, इसको आयोनोस्फीयर क्यों बोलते हैं, इसको आयोनोस्फीयर इसलिए बोलते हैं कि इस पॉइंट पर क्या होते हैं सारे के सारे केसेस, ऑल गैसेस विल बी आयोनाइज्ड। देखो, ऑल गैसेस विल बी आयोनाइज्ड, इसका मतलब समझ में आया, आयोनाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दो कंडीशन है, लो प्रेशर करना पड़ेगा और हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर। तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, सर अब हाई टेम्परेचर कहाँ होगा, हाई टेम्परेचर कैसे होगा, यहाँ पर एयर का वो आ जाएगा, सन का लाइट आती क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हाई टेम्परेचर आपका बन जाएगा, सन के लाइट की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा आपका, हाई टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पर लो प्रेशर कैसे बनेगा, तुम्हें पता ही है, ऊपर ज़मीन से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ से वैसे प्रेशर डाउन होगा, समझ में आ गया, क्लियर हो गया बेटा आपको। तो यहाँ पर कोई भी गैस क्या होती है, आयोनाइज हो सकती है, कौन से स्फीयर में बेटा, आयोनोस्फीयर में। बात समझ में आ गया, इतना ध्यान रहेगा तुमको। ये हमने समझा एटमॉस्फेयर के बारे में, किसके बारे में समझा, एटमॉस्फेयर के बारे में। क्लियर हुआ बेटा पॉइंट तुम्हें? अब हम सबसे पहले पढ़ते ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूटेंट। तो दो पॉइंट पर पढ़ेंगे ना, हमको कौन कौन से पॉल्यूशन होगा बेटा, एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन कितने कैटेगरी में डिवाइड किया बेटा मैंने, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन और एक कौन सा था, स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। तो पहले करें आप, समझे आप, नोट डाउन किया, करो समझ में आ रहा है ना जी चैप्टर, ये इजीली याद भी हो जाएगा ना इजीली। अब इससे इजी तो मैं बता नहीं सकता, NCERT पढ़ोगे नींद आएगी, वो आएगी कि नहीं आएगी, तो इसको पढ़ोगे तो नींद कम आएगी। मजा आ गया, एनवायरनमेंट भी ख़त्म कर देंगे अच्छे से समझ के, ठीक है, एनवायरनमेंट भी हम लोग अच्छे से। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था इस साल, ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रोपोस्फीयर में या स्ट्रेटोस्फीयर में, इस साल का क्वेश्चन है, कहाँ प्रेजेंट होता है, आ गया क्वेश्चन, मिल गया,
कौन से बेच में बता दूँ? मैं मोहम्मद के बेच में, वही कुछ था, और वो गलत करके आया ट्रोपोस्फीयर, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था उस टाइम ये वाला चैप्टर कोई पढ़ाया नहीं करते बेटा, सिंपल बात है, ये वाला चैप्टर कोई पढ़ाते नहीं है, और फिर तो बच्चे को खुद पढ़ना पड़ता है, और इंटेलिजेंट बच्चे तो खुद पढ़ लिए चैप्टर ये, उनको कंसेप्चुअली चैप्टर से प्यार होता है, इन सब चीज़ों चैप्टर से नफरत होता है, लेकिन अब तुम्हें याद कर लोगे ना हिंट विंटी साथ साथ कर लेने याद, और मैं इस पर MCQ दूंगा 90 to 100 MCQs, उसको सॉल्व करना है तुमको, ठीक है ना? अब देखो आगे आगे देखो बेटा, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर लिखो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन, अगला लिखो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन। अब देखो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन क्या होता है बेटा, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन जो ट्रोपोस्फेयर में होगा, और ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन में जो आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के पोल्यूटेंट्स होते हैं बेटा इसके अंदर? हाँ, इस पोल्यूशन में आपके पोल्यूटेंट्स होंगे वो आपके कितने टाइप के लिखाऊंगा मैं आपको, दो टाइप के, कितने टाइप के पोल्यूटेंट्स होंगे बेटा आपके, दो टाइप के, कौन कौन से होंगे बेटा? एक पोल्यूटेंट्स होंगे बेटा आपके गैसियस पोल्यूटेंट्स, एक पोल्यूटेंट्स कौन से होंगे बेटा आपके? गैसियस पोल्यूटेंट्स, गैसियस पोल्यूटेंट्स, और एक होगा बेटा आपका कौन सा? एक होगा आपका पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, क्या होगा? एक पार्टिकुलेट मैटर, ये भी मैटर भी बोल सकते हैं, ये भी आपका पोल्यूटेंट होता है, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर या फिर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। अब गैसेस पोल्यूटेंट्स में कौन कौन से आएंगे? ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, और साथ में कौन आएंगे बेटा आपके? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन भी आएंगे, बात क्लियर है? हाइड्रोकार्बन के बाद CF3 या फिर O3 H2S, O3 और H2S, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोल दे तू, ठीक है ना, खुश, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो जाएगा, ठीक है ना, CFC। अब पर्टिकुलेट मैटर में कौन कौन से आएंगे बोलो? पर्टिकुलेट मैटर में कौन कौन से आएंगे बेटा? जिसमें आपके वो क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, तो सबसे पहले डस्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बेटा? स्मॉग। स्मॉग क्या होता है बेटा? स्मॉग क्या होगा? स्मॉग प्लस, स्मॉग प्लस फॉग, दैट इज कॉल्ड स्मॉग, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही हो गया, ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो? स्मॉग प्लस फॉग, दैट इज कॉल्ड स्मॉग, आप समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर आपका क्या होगा बेटा यहाँ पर? मिस्ट, मिस्ट समझते हो क्या होता है मिस्ट? हाँ, वाटर होगा, वाटर होगा, और वाटर के ऊपर है ना डस्ट पार्टिकल आके चिपक जाएंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मिस्ट। समझ में आ गया तुम लोगों को? अब मिस्ट के बाद क्या होगा बेटा आपका? फ्यूम्स, फ्यूम्स जानते हो? ये सारे आपके कौन से होंगे बेटा? पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, लिख लो इसको। समझ में आ गया? क्लियर है? इजी है, आसान है, दोनों है। समझ में आ गया? अब हम एक एक करके सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? गैसेस पोल्यूटेंट्स को, पहले पोल्यूटेंट्स को समझेंगे, उसी के बाद हम आगे काम कर सकते हैं ना, अगर हम पोल्यूटेंट्स को समझेंगे ही नहीं तो कैसे काम जी चलेगा? चलेगा काम? नहीं चलेगा ना। NCERT लाए हो? कल लेके आना पार्ट सेकंड, ठीक है, तो तुम लोग NCERT का पार्ट सेकंड लेके आओगे।
अब देखो गैसेस पॉल्यूटेंट्स, सबसे पहले क्या पढ़ रहे बेटा हम लोग, गैसियस पॉल्यूटेंट्स। अब देखो गैसियस पॉल्यूटेंट्स आपके क्या होंगे बेटा, बोलो जल्दी से। गैसियस पॉल्यूटेंट्स में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर। क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्साइड ऑफ सल्फर। अब ऑक्साइड ऑफ सल्फर हमारा क्या होगा बेटा, सोच के बताओ ऑक्साइड ऑफ सल्फर कैसे बनेगा। ठीक है, कोई कंपाउंड है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, सल्फर है। वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा बेटा, SO2। ऑक्साइड ऑफ सल्फर बना लिया। अब देखो SO2, जब SO2 आपकी क्या होती है बेटा, पॉइजनस होती है। क्या होती है? पॉइजनस होगी, ठीक है ना, पॉइजनस होगी। अब SO2 की रिएक्शन वापस से एनवायरनमेंट के O2 के साथ हो जाए, एनवायरनमेंट के किसके साथ हो जाए, O2 के साथ, तो क्या बन जाएगा बेटा आपका SO3। क्या बन जाएगा आपका SO3। तो कितने टाइप के ऑक्साइड आ गए बेटा आपको, दो टाइप के। ये वाला क्या होता है बेटा आपका, हाईली टॉक्सिक होता है। ये वाला क्या होगा बेटा आपका, हाईली टॉक्सिक होगा। बात समझ में आ गया बेटा, हाईली टॉक्सिक इन नेचर होगा, बात क्लियर है। अब यहाँ से हमको पॉइजनस मिल गया। अब देखो, अब ये SO3 अगर आपका H2O के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा बाय द वे, तो क्या बना लेगा बेटा, H2SO3 बना ले, H2SO4 बना लेगा, जो कि किस लिए काम में आएगा, एसिड रेन के थ्रू। किसके काम में आएगा बेटा, एसिड रेन के थ्रू। अब तुम्हें क्या लगता है कि ये रिएक्शन काफ़ी ईजिली हो जाएगी, नहीं होगी। ये रिएक्शन कुछ ऑक्सीडेंट के प्रेजेंट में होगा, किसके प्रेजेंट में होगा, ऑक्सीडेंट के प्रेजेंट में होगा। और ऑक्सीडेंट को कौन कौन से होंगे बेटा, यहाँ पर O3 और H2O2। क्या होंगे बेटा आपके, O3 और H2O2। तो ऑक्सीडेंट के प्रेजेंट में हुआ तो ऑक्सीडेंट के साथ कैसे होगा रिएक्शन इसका, SO2 जब आपका O3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, SO3 प्लस O2। और H2O2 के साथ, SO2 प्लस, जब आपका H2O2 के साथ रिएक्शन करा लेगा तो सीधा क्या बना देगा, H2SO4। समझ में आया बेटा, ये रिएक्शन है आपकी किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट पॉल्यूटेंट बहुत खतरनाक होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिडक्टिव। हमेशा सारे जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो ऑक्सीडेंट होते हैं, वो खतरनाक होते हैं। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया बेटा ये आपका रिएक्शन, ये रिएक्शन समझ में आ गया, लिख लो इसको। SO2 गैस आपका क्या क्या होता है बेटा, पॉइजनस होगा, पॉइजनस गैस होगा। सेकंड आपका कॉजेस इरिटेशन ऑन आइस, ठीक है, इरिटेशन इन आइस, आइस में क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर इरिटेशन डेवलप होगा। थर्ड आपका रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनी डिसीज लाइक अस्थमा, ठीक है, और ब्रोनोकाइटिस। ठीक है, ब्रोनोकाइटिस एक टाइप का बीमारी है, वो ध्यान रख लेना, ठीक है ना, ब्रोनोकाइटिस। फोर्थ आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पर, इट कॉजेज स्टिफनेस टू फ्लावर बर्ड एंड दे फॉल डाउन ऑन अर्थ। ये समझ में आया कुछ तुम्हें, क्या होता है स्टिफनेस टू फ्लावर बर्ड, मतलब जो जो फूल होते हैं ना, हाँ क्या, ड्राई मतलब मुरझाए हुए, हाँ मुरझाए हुए फूल में ना स्टिफनेस क्रिएट करते हैं, और स्टिफनेस क्रिएट करते ही वो क्या होंगे बेटा आपके, अर्थ पर गिर जाएंगे। ठीक है, ये काम है SO2 का। ठीक है, समझ में आया।
समझ में आ गया ये वाला तो तुमको पॉल्यूशन SO2 के बारे में समझ में आ गया तुम लोगों को? हाँ, SO2 के बारे में समझ में आ गया, तो एक और बार देख लेता हूँ मैं। ठीक है, ब्रोनोकाइटिस और कौन सा है? फिफ्थ में लिख लेना बेटा, यहाँ पर इट कॉसेस क्लोरोसिस, क्लोरोसिस और है ना ब्लड वाले में जो आपका फोर्थ ही है ना, फोर्थ में आगे लिख लेना बेटा, क्या इट लीड्स टू क्लोरोसिस, क्या समझ में आया बेटा? क्लोरोसिस होता है इसकी वजह से, और कि क्या होगा आपके मेम्ब्रेन डैमेज होंगे, किसके? प्लांट्स के क्या होंगे बेटा? मेम्ब्रेन आपके क्या होंगे बेटा? डैमेज द क्या बोलेंगे बेटा? डैमेज द प्लांट मेटाबॉलिक मेम्ब्रेन। समझ में आ गया बेटा, ये आपका हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? अब इसका सोर्स क्या होगा है? ठीक है, अब समझना सोर्स कौन कौन से होंगे, तो इसके सोर्स के बारे में लिख लें बेटा। ये आपका कैसे पॉल्यूट करता है वो तो मैंने बता दिया, पॉल्यूट कैसे करेगा रिएक्शन के थ्रू वो तो मैंने बता दिया। अब इसका सोर्स क्या होगा, सोर्स समझ लो, सोर्स आपका क्या होगा बेटा? इसका सोर्स मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है ना, सोर्स ऑफ SO2। ये रिएक्शन आपके काफ़ी काम में भी आएगी, ठीक है, काफ़ी काम में भी आएगी सोर्स ऑफ SO2। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर ऑक्साइड में, यहाँ पर सोर्स ऑफ SO2, और ये आपका क्या था बेटा? हार्मफुल इफेक्ट। कौन सा था ये आपका? हार्मफुल इफेक्ट, समझ में आ गया। और ये आपका क्या होगा बेटा? आपका सोर्स ऑफ SO2। अब देखो सोर्स ऑफ SO2 की क्या होगा बेटा बताओ, सोर्स कहाँ कहाँ से होंगे बेटा? सोर्स आपके SO2 का आपका होगा बेटा सोर्स स्मेल्टिंग ऑफ मेटेलिक ओर, क्या? स्मेल्टिंग ऑफ ओर। जनरली ये आप पढ़ोगे कहाँ पर? क्लास 12th में मेटलर्जी में मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, मेटलर्जी में मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ ये वाला पोर्शन, तो आप लोगों को उस टाइम याद दिलाऊँगा SO2 कैसे बनेगा। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? सल्फाइड ओर, कौन सा ओर? सल्फाइड ओर की रिएक्शन जब मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराता हूँ, तो यहाँ पर ओर का क्या बनता है? ऑक्साइड ओर बनता है, ऑक्साइड वो ओर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ ओर आपका प्रोसीड होगा, क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ ओर और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? SO2। इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। जैसे एज एग्जांपल मैं एक रिएक्शन बता देता हूँ, जैसे FeS है, FeS का मैंने O2 के साथ गर्म किया तो क्या बन जाएगा? Fe2O3 और साथ में क्या निकलेगा? SO2। हो गया ना सोर्स, हमको सोर्स ही चाहिए था ना। जैसे एक और एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, ZnS की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ करा दी तो क्या बनेगा? ZnO और साथ में क्या हो जाएगा? SO2, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रोस्टिंग, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। बात क्लियर रहेगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे बेटा? रोस्टिंग। समझ में आ गया बेटा, ठीक है, इस फिनोमिना को हम बोलेंगे रोस्टिंग। अब देखो यहाँ पर और कैसे कैसे होगा बेटा, और यहाँ पर किस जिसमें अगर सल्फाइड और प्रेजेंट रहेगा, जिसमें अगर सल्फर कंटेंट प्रेजेंट रहेगा, सेकंड सोर्स आपका सल्फर कंटेंट,
कौन सा? सल्फर कंटेंट। अब सल्फर कंटेंट जिसके अंदर क्या होगा बेटा, इसका मतलब क्या समझ में आया? सल्फर कंटेंट को अगर मैं जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करूँगा तो हमेशा क्या बनेगा बेटा? SO2 गैस आपकी बनेगी, हमेशा क्या बनेगी बेटा? SO2 गैस बनने वाली है। और वो सल्फर कंटेंट कौन कौन से होंगे बेटा? पेट्रोलियम हो गया, आपके कोयल हो गया, और आपके कुछ इम्पोर्टेंट लग देता हूँ, आपका पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, सॉरी पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया? कोयल इंडस्ट्री, यहाँ से आपका डेवलप होगा, ठीक है ना? क्लियर हो गया सोर्स आपको क्लियर हुआ बेटा? ये दोनों आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या है बेटा, SO2 कैसे आपके एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दो ही रिएक्शन है बेटा टोटल, फिर आपका उसके प्रॉपर्टी है और उसके बाद ये है, ठीक है। अगला लिखो, समझ में आ गया? सिंपल लग रहा है ये चैप्टर है ज़्यादा सिंपल, वो एकदम हटा दो इसको। अब देखो अगला देख लेते बेटा हम लोग, इसमें अगला ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या देख लेते हैं अगला हम? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को समझ लेते हैं। अगला हम समझ लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का क्या काम है बेटा, समझ लेते हैं सबसे पहले एक एक करके। तो देखो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा कैसे, जैसे N2A प्लस O2A गैस है आपस में जुड़ा, इसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है? हाई टेम्परेचर। तो ये कब बनेगा? जब बिजली कड़केगी तब। बिजली कड़केगी मतलब ये एक्चुअली इसको ना इलेक्ट्रिक स्पार्क की ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है? स्पार्क की, रिएक्शन को होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन। आपके आपके एरिया में आपके मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है ना, और इलेक्ट्रिक स्पार्क की ज़रूरत होगी तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर? NO2 क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका? एनो गैस। सबसे पहले क्या बनेगा? एनो गैस। ये भी आपका एक टाइप का ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, लेकिन ऊपर जाते तो टेम्परेचर कम होता है। हाई टेम्परेचर कब मिलेगा? जब बिजली कड़केगी तभी होगा ये काम। जब बिजली कड़केगी तभी आपका क्या बनेगा? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनेगा ये? इसका नाम क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। समझ में आया बेटा तुम लोगों को? नाइट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपका न्यूट्रल इन नेचर होता है, एसिडिक भी नहीं होता ना बेसिक होता है, ये आपका नेचर में क्या होता है? न्यूट्रल। तो ये आपका क्या होता है बेटा? आपका न्यूट्रल इन नेचर। क्या होगा बेटा ये आपका? न्यूट्रल इन नेचर। नेचर में आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका न्यूट्रल होगा। बात क्लियर है? अगला क्या होगा बेटा इसमें? अगला क्या होगा बेटा यहाँ पर? एनो की रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा? O2 के साथ। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर? NO2 बनेगा। यह आपका कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, नेचर में कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब एसिडिक होने की वजह से यहाँ पर HNO2 अब आपका किससे? H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? HNO3। दैट कॉसेज द एसिड रेन। ये एसिड है ना, यह आपका एसिड रेन कराएगा। यह आपका क्या करा देगा बच्चा? आपका एसिड रेन। बात क्लियर है बेटा? अब ये रिएक्शन तो इजीली नहीं होगी, इसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी फिर से? ऑक्सीडेंट पार्टिकल्स की। हाँ, ऑक्सीडेंट पार्टिकल्स की मतलब ऑक्सीडेंट पोल्यूटेंट्स खुद में एक पोल्यूटेट है, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेंट पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो NO प्लस O3 क्या बना लेगा बेटा आपका? NO2 प्लस O2, और यहाँ पर NO प्लस H2O2 क्या बना लेगा? सीधा आपका HNO3 बना लेगा। कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? ये सिमिलर रिएक्शन मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी, सिमिलर रिएक्शन मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी ना बेटा, अब ध्यान रहेगा।
अब ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होगा O3? अब O3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है और H2O अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? आप इन्हें क्वेश्चन लिख लेना, ये वाला H2O2 एंड O3 इज अ गुड क्या बोलेंगे बेटा इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्यों बोलेंगे बेटा इसको, बोलो जल्दी से. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होगा? क्योंकि ये ईजिली क्या देगा? ईजिली नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा. क्या देगा? ईजिली आपका क्या दे देगा बेटा? आपका नेसेंट ऑक्सीजन. समझ में आ गया बेटा? अब कल इसके आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट आप लोगों को? ठीक है, कल हम इसके आगे कंप्लीट करेंगे. ठीक है, और नोट्स को प्रॉपर्ली बना लेना इसको, और है ना कल ये पढ़ के आना नोट्स पूरा. अगर आप अभी पढ़ पढ़ के ख़त्म कर दोगे तो चैप्टर आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पेंडिंग रह जाएगा ये.